हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कंटिन्यू करेंगे जो वीडियो पार्ट वन मैंने पॉलिनोमियल्स का पोस्ट किया था, उसके बाद दिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पिछले में हमने जो वीडियो बताया था उसमें बताया कि पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन इन एक्स, सो इट कैन बी एनी अदर वेरिएबल ऑल्सो। एंड ये चीज ध्यान रखनी है, जब हम पॉलिनोमियल्स इन एक्स बोलते हैं तो हम उसको किसी वे से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सो इट इज पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2 अगर हमने लिया, सो वी कैन सी व्हाट इज द वेरिएबल हियर, इट इज द वेरिएबल x। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, p ब्रैकेट x। कई बार हम इसको g ब्रैकेट x ऐसे भी लिखते हैं, सो इट इज पॉलिनोमियल, जब x ब्रैकेट में ऐसे आ गया तो हम कहते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। किसी और वेरिएबल में जैसे अगर हमने लिया, सपोज इट इज 7y³ + 2y - 3। अब वेरिएबल क्या है हमारे यहां पर, y, तो वी कैन से इट इज वेरिएबल y, सो इट इज p ब्रैकेट y। तो इसको हम पॉलिनोमियल इन y चाहे ऐसे लिखें या g ऑफ y, किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ वी टेक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, सो वी राइट हियर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हमने लिखना है डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल में, डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। सो डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा आ गया क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 3x³ + 2x⁵ - ½x + 4x³ + 8, ऐसे कुछ टर्म्स आ गए, क्यूब की बदले लेट अस टेक स्क्वायर हियर। सो ऐसे अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो पहले होनी चाहिए। क्या लिखा है, डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल, सो हाईएस्ट पावर, सो स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने इसको लिखना है, सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हाईएस्ट पावर 5 है, सो वी राइट फर्स्ट टर्म एज 2x⁵। इसके बाद 5 के बाद डिक्रीजिंग पावर 4 की होनी चाहिए, लेकिन 4 की कोई टर्म नहीं है यहां पर, सो यू कैन सी व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, 3x³, so we write 3x³, x की पावर 3 term, इसके बाद cube की पावर फिर square की term, so this is the next term, so it is 4x², then after square x की पावर 1, so this is x की पावर 1, तो ये term आ गई, and last में it is constant, constant का मतलब वो term जिसमें x नहीं है, so this is the way we write the standard form of a polynomial. Now डिफरेंट हमने इसमें देखना है केसेस, उसके लिए नाउ वी स्टडी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। सो वी से कोई हमने एग्जांपल ऐसे लिया, इसमें 3x⁴ + 2x² + ½। नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहां पर, x, सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, 4, जब हाईएस्ट पावर 4 है तो हमने कहना है डिग्री इज इक्वल टू 4, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन, सपोज इट इज गिवन 2x + 3/2,
So what is the highest power here? Highest power of variable is 1. So we say degree is 1. So this is the way we define the degree of the polynomial. Now, based on degree of polynomial, we write types of polynomials. So is case mein, so different names are given, so we write types here. So first is linear polynomial. Linear ka matlab hai highest power of x or variable is 1, or you can say degree is 1. So for example, we write 3x plus 2. So what is the highest power of x? 1. So we say it is linear. x square plus 4, क्या ये linear होगा? नहीं ना, क्योंकि इसमें x के highest power कितनी होगी? 2 होगी. तो हमने कहना है it is not linear. Understood? What is linear? Another example we take. It is simple 4x. क्या linear है ये? So linear होगा. Highest power of x क्या है? 1. बाकी कोई term present है? कांस्टेंट की या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, सो वी से इट इज लीनियर. सो इसका जनरल फॉर्म हम ऐसे लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी लीनियर के लिए. क्लियर? नाउ वी टेक द नेक्स्ट वन, सेकंड टाइप. Second is quadratic polynomial. Quadratic word ध्यान रखना, it is the expression in which highest power of the variable should be 2. So we write example here 3x square plus 4x minus 5. So what is the highest power? 2. So we say degree is 2, so that means it is quadratic. Then suppose we write half x square plus 1. Ab humne dekha hai ki what is the highest power of x? 2 hai yahan par, so we say it is a quadratic polynomial. So degree is 2. बाकी कोई टर्म एक्स्ट्रा जैसे x की पावर 1 की अगर मिसिंग भी हो गई तो दैट डजंट मैटर. सो डिग्री इज 2, सो वी से इट इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. देन कभी अगर लिखा है सिंपल 7x स्क्वायर, विल इट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? सो हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. नाउ next is cubic polynomial. Cubic polynomial is if highest power of x is 3. So for example we write 7x cube plus 4x square plus 1. So what is the highest power of x here? 3. Jab x ki highest power 3 hai, to we say it is a cubic polynomial. So you can see degree is 3, so it is cubic polynomial. Then another example, it is 7x square plus 8x cube. क्या ये है cubic polynomial? तो हमने देखा कि चाहे आगे या पीछे लिखा हो highest power 3 है, so it is cubic polynomial. Now another one, so we write next is constant polynomial.
कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज इन दिस केस वी से अगर अकेला नंबर नहीं दिया हुआ, लेट अस से सिर्फ 7 दिया हुआ, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज़ वी राइट x की पावर 0 विद इट, बिकॉज़ वी नो दैट x की पावर 0 क्या होता है? 1. एनी वेरिएबल रेस्ट टू द पावर 0 इज 1. सो 7 आ गया, सो वी से इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो अगर -5 है तो क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज़ वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट, जीरो पॉलिनोमियल. तो जीरो पॉलिनोमियल क्या चीज है? जब हमारे पास सिर्फ नंबर 0 दिया हुआ है, सो वी से इट इज जीरो पॉलिनोमियल. नहीं तो हम सोचते हैं जीरो किस कैटेगरी में आएगा, तो जब अकेला जीरो है सो वी से इट इज जीरो पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक. थैंक यू.